नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं राहुल गांधी की लोकसभा में ऐसी धमाकेदार स्पीच जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने यह नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो, और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप ही पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई, ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। सात की कर रहा हूं, मैं 60 की भी करूंगा। मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए, आप ठहर जाइए। मगर 80% जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी, और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है, और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है,
हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। सेम। और हो क्या रहा है, फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे दो मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा, उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है, और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है, उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया, आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है उनको आपने बंद कर दिया। बोलने दीजिए सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन, मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन है, असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया, मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। और अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास आंकड़ा है यहां पे, पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 46% कम हुए हैं। और हो क्या रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, आप यहां पे भाषण देते रहते हो, नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन से नारे हैं, स्टार्टअप इंडिया, आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए
कि ये चुप बैठा रहेगा, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है, इस हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज, सुनिए, इन लोगों को दिख रहा है कि आज ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है, ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है, 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा, आपका नहीं, देश का नुकसान होगा। तो पहला मेरा सुझाव ये है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।